Perfect. So as far as last lecture of classical genetics is concerned, classical genetics, genetics के तीन eras बताए गए थे, classical, modern and advanced. Aditi, am I right? यस सर। Perfect. That was classical part was Mendelian era, modern era was Bateson, father of modern genetics, Bateson. And father of advanced genetics was Alec Jeffrey for DNA fingerprinting. Am I right? यस Anyone? सर। Okay, perfect. See, let me very clear. If you are not ready to interact with me in online class, I'll try to remove. मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन क्लासेस से उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है. सो बेटर टू रिमूव देम. आप वेटिंग रूम में बैठे रह जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो मैं अब आज से वो काम करने वाला. यदि आपके रिप्लाई नहीं आते हैं, यस नो सॉरी यस सर या आंसर्स, सो बेटर टू रिमूव यू और टू की टू पुट यू इन वेटिंग रूम, सो दैट आपका भी समय खराब नहीं हो, मेरा भी खराब नहीं हो. राइट डॉक्टर्स? चलिए. सो क्लासिकल एरा हम लोग पढ़ रहे थे, दैट वाज ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स. उसमें मैंने आपको ये बताया व्हाई मेंडल वाज लेट, व्हाई मेंडल वाज रिकॉग्नाइज लेट, नॉट लेट, रिकॉग्नाइज लेट, क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज ज्यादा कर लिया था. कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे लॉस थे जो डाइजेस्टेबल नहीं थे उस समय के साइंटिफिक कम्युनिटी को, डाइजेस्टेबल इन द सेंस एक्सेप्टेबल नहीं थे. परफेक्ट. रिकॉग्निशन लेट मिलने के पीछे कारण यह भी था कि उन्होंने जिस जर्नल में पब्लिकेशंस किए वो भी नॉन सर्कुलेटिंग जर्नल्स थे. बट एनीवन, ओल्ड स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हिच वाज दैट जर्नल्स नेम? प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस। फिर से ब्रून ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ओके, जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट करेंगे, ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. ओके फाइन. मेंडल ने सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे. ओमकार, ओमकार जो न्यू स्टूडेंट है, ओमकार आर यू देयर? यस सर. परफेक्ट. क्या आप मुझे बता सकते हैं ओमकार की वो कौन से सात सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे? परफेक्ट. सॉरी सर. सॉरी, ठीक है, नो प्रॉब्लम. कोई और है जो मुझे बता सकता है न्यू स्टूडेंट की व्हाट वर द सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स? सर हाँ बोलिए. सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, स्टेम हाइट। परफेक्ट परफेक्ट. सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड स्टेम हाइट. परफेक्ट. सभी के लिए एक कैरेक्टर, सभी के लिए. सभी के लिए उसमें एक अल्फाबेट दिया गया था. और बच्चे अभी क्यों फोन करते हैं? हेलो. हाँ बेटा, क्लास चल रही है, बोलो. टू जीरो टू वन है ना बेटा पासपोर्ट? फिर से उसको रिफ्रेश करो बेटा. सबने ज्वाइन कर लिया क्लास शुरू, तो गलत तो होगा नहीं पासपोर्ट. ठीक है सर? सर मैं, मेरा भी नहीं हो रहा था सर. सर कंप्यूटर से मेरा नहीं भी हो रहा, नहीं हो रहा था सर। मोबाइल से करना पड़ेगा. हो सकता है, हो सकता है जब ये पासवर्ड में चेंज करता हूं तो सेटिंग्स में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पासपोर्ट गलत बताता है. बट पेशेंस रखने के बाद उसी से क्लास शुरू होती है ना. वो रिफ्रेश करो या कुछ सर करो, कुछ तो कर. हाँ आओ, प्रॉब्लम असा आहे की कम्प्युटर ने लॉग इन नाही होते, जॉईन नाही होऊ शकत. मी पण आता मोबाईल वरच करतो. कम्प्युटर वर आम्ही ट्राय केलं पण नाही होते ते. मोबाइल से भी दिक्कत होती है बेटा, मोबाइल से भी लॉगिन में प्रॉब्लम आती है आयुष भाई. एनीवेज, पासकोड इज 2021, दैट इज कीप ऑन चेंजिंग, थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, आपको उसी के साथ चलना है. बराबर. शुड वी फोकस ऑन मेंडलिज्म डॉक्टर जाधव? ओके हाँ जी सर. परफेक्ट. सो देयर इज अ स्पेसिफिक अल्फाबेट गिवन और असाइन टू ऑल दोज कैरेक्टर्स, सेवन पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स.
एनीवन कैन टेल मी सीट कलर, बोलिए सीट शेप, फाइन, सीट शेप आर, आर, स्पीकर सीट शेप, पॉट कलर जी जी जी, पॉट शेप सी सी सी, फ्लावर कलर डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, फ्लावर पोजीशन ए ए ए, एंड स्टेम हाइट टी 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 टी। और इन सबके यदि आप कहना चाहिए स्मॉल कैपिटल लेटर्स ले लें तो वो किसके लिए हो जाएगा? रेसेसिव। तो दिस इज फॉर डोमिनेंट एंड दिस ऑल विल बी फॉर रेसेसिव, स्मॉल टी स्मॉल ए स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल सी स्मॉल जी स्मॉल आर स्मॉल वाई, परफेक्ट। सो दैट सीट कलर में वाई वॉज डोमिनेंट एंड येलो वॉज डोमिनेंट, सीट शेप में राउंड वॉज डोमिनेंट, पॉट कलर में ग्रीन वॉज डोमिनेंट, पॉट शेप में सी वॉज कॉन्स्ट्रिक्टेड वॉज डोमिनेंट, एंड फ्लावर कलर में नहीं कॉन्स्ट्रिक्टेड नॉट कॉन्स्ट्रिक्टेड फूल वॉज डोमिनेंट, यस दैट वॉज डोमिनेंट इन पॉट शेप। तो बच्चों इसके बाद फ्लावर कलर के लिए वॉयलेट, फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सियल और स्टेम हाइट के लिए टॉल, परफेक्ट। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है इनमें से किसी एक को लेकर, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है दोस्तों when the cross takes place, first law, anyone बोल कर बता सकता है मुझे, when a cross takes place between two pure parents, then in F1 generation the trait which express itself will be dominant, like this। जो new student है वो ध्यान से समझ, this is parents, this is gametes, this is F1 generation, perfect। So what I expect ki jab parents se progenies mein characters jaate hain, then in F1 generation the trait which express itself will be dominant। Jo bhi trait yahan par express hota hai wo dominant hoga, dominant express hoga ye main nahi keh raha, जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट हो, अंडरस्टूड अमृता आदिति? यस सर, यस सर। सिंस ऑल प्लांट्स हैव एक्सियल फ्लावर, देयरफॉर डोमिनेंट ट्रेट इज व्हाट? Axialness. Perfect. Understood? This is the first. Yes, sir. Perfect. Second law भी बच्चों इसी से related है. Second law ये कहता है कि before transmission of trait from parents to progeny, parents से progeny में जाने के पहले it has to get segregated in the form of gamete. यानी कोई भी कैरेक्टर एक्सियल हो या नॉन एक्सियल हो, ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने के पहले इन्हें सेग्रीगेट होना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? बोलिए गैमेट्स। दिस इज ओनली नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। क्यों कहलाता है बच्चों?
क्योंकि इन जनरल ये तो सेकंड लॉ हो गया, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और बिल्कुल ठीक भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बिल्कुल ठीक भी है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों ठीक लग रहा है भाई? क्योंकि ये समझ में आया कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाने के पहले कैरेक्टर्स को ट्रेट के फॉर्म में सेग्रीगेट होना पड़ेगा, गैमेट के फॉर्म में सेग्रीगेट होना पड़ेगा। यहां डोमिनेंस का लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, परफेक्ट। यहां पर था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन में सेग्रीगेट तो हो गया इन द फॉर्म ऑफ गैमेट, दैट आई एग्री, बट कहीं ना कहीं इसे प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, परफेक्ट। अभी जो लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट है सर, क्यों कहते? एनीवन कैन एक्सप्लेन? कैन आई सर? क्योंकि F1 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर्स नहीं हुए, मतलब फेनोटाइप नहीं दिखता रेसेसिव, लेकिन F2 में वो रीअपीयर हो जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट इसलिए कहते हैं कि ये जो गैमेट्स हैं ये हमेशा प्योर बने रहे। क्यों ऐसा कहा जाएगा भाई? पेरेंट्स कैसे हैं? प्योर, अग्री? व्हाई इट इज प्योर? बिकॉज दे आर होमोजाइगस ना। व्हाई दे आर प्योर? बिकॉज दे आर होमोजाइगस। अदिति, अग्री विद दिस? Yes, sir. These are all impure. These all are impure. ये सारे के सारे impure. Perfect. ये सारे के सारे जो impure हैं, ये क्यों? क्योंकि heterozygous हैं. क्योंकि heterozygous हैं. और ये जो pure हैं, क्योंकि homozygous हैं. तो भाई ऐसा क्यों हुआ कि pure parent से impure progenies बनी? तो गड़बड़ कहीं पर gamete में तो नहीं हुई है? ये निश्चित रूप से डाउट आएगा कि इफ द पेरेंट्स आर प्योर, प्रोजेनीज आर इम्प्योर, तो बीच में गड़बड़ करने वाला केवल एक पार्ट था गैमेट, तो क्या गैमेट इम्प्योर हो गए? बट नहीं, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि F1 जनरेशन में व्हेन द ऑब्टेन्ड AA इम्प्योर एंड इट इज सेल्फ क्रॉस्ड, एंड व्हेन इट इज सेल्फ क्रॉस्ड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड कि जब सेल्फ क्रॉस हुआ तो कहीं ना कहीं कैपिटल ए ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल ए। तो एक्सपेक्टेड ये था कि भाई जब दो एक एक्सियल और नॉन एक्सियल का करते हो तो एक्सियल आता है, एक्सियल नॉन एक्सियल का करते हो तो एक्सियल आता है। तो ये तो कोई बात ही नहीं ना कि एक्सियल एक्सियल का करे तो नॉन एक्सियल क्यों आया। मतलब ये मान लिया गया कि भैया गैमेट्स प्योर रहते हैं, हो सकता है एक हाथ जनरेशन में वो सप्रेस रह जाएं, वो F1 जनरेशन में कोई भी नॉन एक्सियल नहीं आए, जबकि एक पेरेंट नॉन एक्सियल था। बट इट डजंट मीन कि गैमेट्स लूज देयर प्योरिटी, दे मेंटेन इट, एंड हाउ यू कैन ऑब्जर्व इट इन F2 जनरेशन, सिंस इन F2 जनरेशन, सिंस इन F2 जनरेशन ट्रेट्स रीअपीयर्स, since F2 generation traits reappears, F2 generation में traits reappear होते हैं, therefore this law is known as law of purity of gametes। यहां लिख देता हूं, since parental traits reappears in F2, therefore gametes remain pure। Aditi, understood? Yes, sir. Perfect. So statement तो ये कहता है बच्चों, यदि बहुत decent statement कहूँ मैं law of purity of gamete का, तो statement तो कहता है, although in F1 generation neither the progeny is genotypically similar to either the parent, ना? मतलब रिपीट कर रहा हूं, although in F1 generation neither the progeny is genotypically similar to either the parent। genotypically क्यों? क्योंकि phenotype तो axial है, एक parent जैसा तो दिख रहा है, but genotypically तो नहीं है। so although in F1 generation statement क्या होगा?
although in F1 generation, neither the progeny is similar to either the parent. Although in F1 generation, neither the progeny is similar to either the parent, genotypically. But it doesn't mean that gametes have lost their purity. Because parental character reappears. Because करके छोड़ दिया मैंने because parental character reappears. Understood? Yes, sir. Please note. चलिए नोटेड. ओमकार कह रहे हैं बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है. क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नो सर. मेरी तरफ भैया पूरा नेटवर्क शानदार दिखा रहा है एंड बोर्ड इमेज इज वेरी मच क्लियर टू मी. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. Is this noted? Yes, sir. अब इसमें भी आगे की कहानी मैं देखूं तो मुझे आपको बताना है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, क्योंकि इसमें आप एक क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक एक्सियल और नॉन एक्सियल, बात को समझिएगा कंसेप्ट, एक एक्सियल एक नॉन एक्सियल क्रॉस करते हैं तो एक्सियल आता और एक्सियल एक्सियल क्रॉस करते हैं तो नॉन एक्सियल आता है. मतलब यार ये जो जीनोटाइप है F1 का, इट इज समहाउ नीडेड टू बी फाइंड आउट कि ऐसा क्यों हो रहा है. एक्सियल नॉन एक्सियल का करते हो तो एक्सियल आता है, मतलब नॉन एक्सियल पूरी तरह दब जाए. तो भैया फिर तो एक्सियल एक्सियल का करने पर एक्सियल ही आना चाहिए था, नॉन एक्सियल क्यों आ रहा है? यानी कहीं ना कहीं इस जीनोटाइप को पता करना पड़ेगा कि ये क्या है. तो एक टेक्निक, कौन सी टेक्निक? टेस्ट क्रॉस. क्या कहता है? टू फाइंड आउट व्हाट? अननोन फिनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन. या ठीक है चाहे जिसका भी ले लो, अपने को प्रथम वर्ष कोई दिक्कत नहीं उसमें, अपने को तो कोई भी समझ लिया. हाँ यदि अननोन जीनोटाइप पता करना है तो बिल्कुल अपने को काम करना पड़ेगा. राइट प्रथमेश? चलिए यस. अननोन जीनोटाइप के लिए मैं मान लेता हूं कि F1 जनरेशन में भाई एक्सियल तो दिख रहा है. Aditi, since it seems axial, so I should take 1A at least. Am I right? Yes, sir. Shaunak, are you there? Yes, sir. Chaitanya, Samiksha, Snehal. Or... Yes, sir. Yes, sir. Radha, are you there? Yes, sir. Okay. तो बच्चों ऐसे समझना पड़ेगा कि सिंस एक्सियल है तो एक ए तो ले लिया लेकिन मुझे दूसरा नहीं पता भाई, क्योंकि एक्सियल होने का ये मतलब नहीं ना कि कैपिटल ए कैपिटल ए, वो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, यही तो मुझे पता करना है. तो
तो मैंने इसका क्रॉस क्या करा दिया, इसके रेसेसिव पेरेंट से करा, इसके रेसेसिव पेरेंट से करा। और यदि इफ इफ रिजल्ट्स 50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव यदि आते हैं, रिजल्ट्स यदि 50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव आते हैं, तो 100% ये भी 50-50% होगा। कैसे देखते हैं, कैपिटल ए डैश स्मॉल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए डैश ए डैश ए। अब क्या होगा दोस्तों, भाई जीनोटाइप नहीं दिख रहा, लेकिन इन दोनों प्लांट के फिनोटाइप तो दिखेंगे डॉक्टर दास। यस सर। डॉक्टर चैतन्य अग्री व्हाट आई मीन टू से? चैतन्य चैतन्य देवरे, कोई बात। तो अभी ये तो समझ आ गया कि यदि इन दोनों के मुझे फीनोटाइप पता चल जाए, भाई यदि ये एक्सियल है तो कोई बात ही नहीं, यदि ये एक्सियल है तो कोई बात ही नहीं, यदि ये नॉन एक्सियल है मतलब 100% यहां पर स्मॉल ए होगा। यस और नो? यस सर। होमोजाइगस है तो ये होमोजाइगस तभी हो सकते हैं जब यहां पर स्मॉल ए हो, और यदि ये होमोजाइगस हो गए तो ये होंगे नॉन एक्सियल, ये दोनों होंगे नॉन एक्सियल, अग्री। और ये दोनों होंगे क्या एक्सियल, यानी एक्सियल 50% और नॉन एक्सियल 50%। तो ये तभी पॉसिबल है दोस्तों जब यहां पर स्मॉल ए आए, और स्मॉल ए यहां तभी आ सकता है जब यहां स्मॉल ए हो। आपने प्रोजेनी से पता कर लिया ना पेरेंट्स का क्या है, ऐसा क्रॉस जिसमें आप प्रोजेनी के रेशो से पेरेंट्स का टेस्टिंग करते हैं, ऐसे किसी क्रॉस को क्या कहा जाता है? टेस्ट क्रॉस। डॉक्टर दास अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। ओमकार भाई और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आई होप श्रद्धा समीक्षा स्नेहल चैतन्य सभी को समझ में आया होगा। यस सर। तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस, लेकिन टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या दो? एक ऐसा क्रॉस इन विच टू फाइंड आउट द अननोन जीनोटाइप ऑफ नोन फिनोटाइप वी अलाउड टू क्रॉस F1 जनरेशन विद क्या बोलो? रेसेसिव पैटर्न। With their recessive parents. तो ये F1 generation थी आपकी, ये देखिए उसका आपने recessive parent से cross करा दिया। recessive मतलब कौन सा? छोटा A वाला। यदि ऐसा होता है और result ये आते हैं तो explanation इस तरह से perfect. Yes sir. But there will be again one more cross known as back cross that is needed to be explained along with test cross. Is what? In test cross we almost go back and cross with the recessive parent. Perfect. But in back cross, yes, I agree that we have to go back. भाई F1 parent को उनके back cross मतलब पीछे वाली generation से cross करना। ये plant के case में इसलिए अपन बात कर पा रहे हैं ना। Humans के केस में तो ये क्या हो जाएंगे? बाप बेटे माँ बेटे हो जाएंगे, which is practically impossible. So in case of plants, what we are dealing, कि F1 generation is crossing with their recessive parent, just to test कि whether this genotype is homozygous or heterozygous. But in back cross, what we used to do, anyone?
cross with either of the parent. Perfect. बाकी को मुझे remove करना पड़ेगा क्योंकि या तो पता ही नहीं है या तो ज्ञानी बन रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा होगा. Back cross. That means when F1 generation is allowed to cross with either parent, किसी भी एक parent के साथ cross करना क्या कहलाता है? Back cross. मतलब या तो आप F1 generation का cross capital से कराएं, वो भी कोई समस्या नहीं, या आप heterozygous parent का cross इससे कराएं, कोई समस्या नहीं. So, किसी भी पेरेंट से यदि आप कराते हैं तो वो बैक क्रॉस. लेकिन अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस एडवांटेजेस? टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन जीनोटाइप. बैक क्रॉस उन्हें कौन आधा बोल के रुक गया? जो ऑप्टेन होमोजाइगस. टेस्ट क्रॉस के केस में आपको होमोजाइगस से हेटरोजाइगस पता करना होता है. बैक क्रॉस के केस में ऑप्टेन होमोजाइगसी. यदि आपको होमोजाइगोसिटी करना है तो बार 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 ये करते रहिए, होमोजाइगस कैरेक्टर्स के नंबर्स बढ़ जाएंगे. सो ये है टू आइडेंटिफाई होमो हेटरोजाइगस, ये है टू ऑप्टेन होमोजाइगस. डॉक्टर दास, डॉक्टर ओमकार, स्नेहा, स्नेहल, समीक्षा, शौनक, चैतन्य, सर, बैक क्रॉस सिर्फ F1 में हो सकता है? क्या बोले? बैक क्रॉस सिर्फ F1 में ही होगा? बैक क्रॉस सिर्फ F1 में ही होगा क्या? मतलब उसके F2 अगर मैं नहीं करवा सकता? नहीं, किसी ने भी कराई. आप उसके रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो वो बैक क्रॉस. ठीक है सर, मतलब अगर F2 में करवाए तो उसके लिए बैक क्रॉस कौन सा होगा? F1 जनरेशन वाले की वो प्योर पेरेंट्स होंगे वो. यही तो समस्या है ना. आप F2 का F1 से करा के बैक क्रॉस नहीं कह सकते ना उस्ताद, क्योंकि बैक क्रॉस के लिए प्योरिटी होनी जरूरी है ना प्रथमेश. हाँ सर. गॉट माय पॉइंट? यस सर. ओके. हु इज समवन देयर इन गैलेक्सी J7 प्राइम वांट्स टू एंटर बट आई एम पुट हिम इन वेटिंग रूम. Galaxy J7 Prime. Sir, Sharanya. Why not she is entering with her name? Don't know. You should enter with name only. Sir, उसकी mother का phone था. हाँ तो message करवाइए ना उसको. Message कर, इतनी बातें तुम लोग कर रहे हो उससे तो उसको message डालिए कि enter with her name only. Okay. So there is a statement. There is a statement. Anyone can tell me for test cross and back cross? All test cross are back cross. All test cross are back cross. But all back cross are not test cross. But all back cross are not test cross. Perfect. चलो, जोशी भी बोला. बहुत बढ़िया. स्नेहल मैडम, आपने जो कहा कि सारे back crosses, सारे test crosses back cross तो हैं, but सारे back cross टेस्ट क्रॉस नहीं है. यानी ऑल टेस्ट क्रॉसेस आर बैक क्रॉसेस बट नॉट वाइस वर्सा. इसका अपोजिट पॉसिबल नहीं है. अदिति, यू अंडरस्टूड? यस सर. परफेक्ट. I'm going to share the image.
Okay. Should I erase this? Yes, sir. Since we are dealing with test cross, back cross and first two laws, तो पहले हम लोग क्या करते हैं monohybrid cross के ratios देखते हैं. Now we should go for monohybrid ratios. मोनो हाइब्रिड रेशियोस. थोड़ा सा कलर लाइट हो रहा है ना. ओके, नो प्रॉब्लम. मोनो हाइब्रिड रेशियोस, दैट मींस व्हाट वी नीड टू डू, वी शुड टेक ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम. सो आई एम टेकिंग टॉलेस्ट एंड ड्वार्फ. रेशो समझना कैसे निकालते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस वन इज पेरेंट, दिस वन इज गैमीट एंड दिस वन इज विथ जनरेशन फर्स्ट फिलियल का क्या कराते हैं ऑन सेल्फ. समझिएगा बात को. जब भी रेशोज निकालने के लिए कहा जाए आपसे, तो रेशोज निकालने के लिए यू हैव टू गो फॉर सेल्फिंग. यू हैव टू गो फॉर सेल्फिंग. सेल्फिंग जब आप कराते हैं तो इट विल बी लाइक टी क्रॉस टी. इट विल प्रोड्यूस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी. This will produce capital T, small t, capital T, small t, and capital T, small t. But as far as ratios are concerned, phenotype देखते हैं. What is this? Tall or dwarf? Tall. 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 What are these? Tall. 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 But what is this? Dwarf. So tall is in 3:1. Agree? Yes, sir. So ये phenotypic ratio हो गया. Phenotypic ratio. तीन जो है वो dominant and 1 जो है वो recessive. यानी डोमिनेंट रेसेसिव का रेशो कितना आएगा मोनो हाइब्रिड में? 3:1. बट व्हेन वी गो फॉर फाइंडिंग द जीनोटाइप, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट. होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है. एग्री? यस सर. Yes, sir. Capital T are 2 in number. These are heterozygous. Heterozygous. और heterozygous को मुझे dominant लिखने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि heterozygous हमेशा ही क्या होता है लोकेशन मैडम? Dominant. यहाँ पर एक जो है small t, ये कितना है? 1. और ये कौन है? Homozygous recessive. तो यहां पर रेशो तो कुछ और ही निकल आया यार. यहाँ रेशो क्या आ गया? 1:1. अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. आपको जो याद रखना है, केवल दो ही रेशो याद रखना,
एक रखना है उस्ताद फिनोटाइप का 3:1 दैट इज फिनोटाइप और 1:2:1 दैट इज जीनोटाइप। बस ये दो रेशो ध्यान रखने, बाकी के जितने भी डायहाइब्रिड प्रोसेस से आगे होंगे उस पर हम लोग इसी को एक्सटेंड करेंगे। ये तो बात होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस हो जाएं, कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। हाँ सर, इंस्टेंट आंसर एक्सपेक्टेड होगा, इंस्टेंट आंसर। सपोज सपोज मैंने आपको दिया क्वेश्चन, कह रहा हूं मैं, मेंडल ऑब्टेन्ड 256 प्लांट्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हेटरोजाइगस प्लांट्स कितने होंगे? इंस्टेंट 128। कौन बोला सबसे पहले? ओके 128। ये किसको नहीं समझ में आया, जस्ट अनम्यूट एंड टेल मी। ओके बैक मैडम, 128 इज करेक्ट। जिसको समझ में नहीं आया मुझे बताइए। न्यू ओमकार समझा क्या? यस सर। अगेन द सेम प्लांट्स आर देयर, कैन यू टेल मी होमोजाइगस? 120। कैन यू टेल मी होमोजाइगस डोमिनेंट? 64। ऐसा भाई 64 क्यों? क्योंकि जब चार होते हैं, 1+2+1, जब चार होते हैं तो होमोजाइगस डोमिनेंट एक, चार में एक होता है तो 128 में कितना? 128 × 1/4 दैट इज 32। अग्री? सॉरी अपन ने 256 लिए थे ना, प्लान 256 थे। सो 64 इज द आंसर। ओंकार अंडरस्टूड? यस सर। ओके वन मोर क्वेश्चन। इफ आई एम गिविंग यू 1024 प्लांट, कैन यू टेल मी पेरेंटल प्लांट्स, पेरेंटल टाइप के प्लांट्स कितने प्लांट ऐसे हैं जो पेरेंट से रिसेंबल करते हैं? 62। प्रथमेश क्या कर अपना क्या कर रहा है बेटा? प्रथमेश 512। अच्छा सर 102। हाई करने के लिए मैंने प्रथमेश सर को ऑफलाइन क्लास में भी समझाया था। ओके ऋतुजा का सब आंसर आया 512। अदिति दास कैन यू टेल मी हाउ कम इट्स 512? सॉरी सर। हाँ तो बेटा फिर सवाल बनना चाहिए ना अपने से। मैंने आपसे कहा बेटा 1024 प्लांट्स, जब चार प्लांट्स होते हैं तो पेरेंटल टाइप कितने हैं इनमें? इन चारों में पेरेंट्स का टाइप कौन कौन सा बताओ? अरे ये ना एक ये वाला और एक ये वाला, चार में दो पेरेंटल टाइप, सिंस फोर में टू, देयरफॉर 1024 में कितने? × 2/4 तो दैट मींस इसका हाफ दैट इज 512। अग्री? Yes, sir. आपका सारा खेल इसी पे होना है, आपसे जीनोटाइप पूछा जाए तो ये रेशो और आपसे फिनोटाइप पूछा जाए तो ये रेशो, सिंपल। चलिए
क्या मुझे आप 1024 प्लांट में कोई टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट प्लांट बता सकता है क्या? इक्वेशन क्या बैठेगा कि इफ 102 सॉरी इफ 4 प्लांट्स होते हैं, 4 प्लांट्स होते हैं तो डोमिनेंट 3 होते हैं, अग्री? यस सर. देयरफॉर यदि 1024 प्लांट हुए जैसा कि क्वेश्चन में है तो कितने होंगे? 2 3 by 4 7 7 28 7 68. Understood? बच्चों नहीं समझ में आया होगा, स्नेहल श्रद्धा समीक्षा तो मुझे बोलो नहीं तो मैं आगे बढ़ू. यस सर क्लियर. क्लियर है सर. क्लियर है सर. परफेक्ट परफेक्ट. चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों. अब हम डायहाइब्रिड क्रॉस की तरफ देखते हैं क्योंकि मोनोहाइब्रिड से तो इजी है, क्वेश्चंस तो बन रहे हैं मोनोहाइब्रिड से, दिक्कत नहीं जाएगी. डायहाइब्रिड समझते हैं और डायहाइब्रिड के कुछ क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करते हैं, राइट? ओके मोनोहाइब्रिड मेरे पार्ट में कोई बात तो छूट नहीं रही है. लेट मी चेक. एस क्रॉस बता दिया, एफ क्रॉस बता दिया, बैक क्रॉस बता दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक, अब मैं पहले आपको डायहाइब्रिड क्रॉस इसमें भी चैलेंज है लेकिन इंटरेस्टिंग. चेकर बोर्ड बनाने में मजा आएगा. जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके हैं आई होप दे एंजॉयड जेनेटिक्स इन ऑफलाइन क्लासेस. प्रथमेश. यस सर. ओके, आवाज से ऐसा लगता है तुम्हें जैसे जबरदस्ती बुलवा रहा हूं मैं तुम्हें. नहीं सर. ओके, सो नाउ हाइब्रिड क्रॉस के लिए दो कैरेक्टर ले, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल टी स्मॉल. डायहाइब्रिड है मतलब दो क्रॉस लेने पड़ेंगे और दो क्रॉस लेता हूं मैं तो गैमीट कितने बनेंगे? एनीवन? चार. एक. एक पेरेंट से चार. परफेक्ट, क्योंकि नंबर ऑफ गैमेट का फॉर्मूला. एनीवन? एनीवन? टू रेस्ट टू नंबर ऑफ गैमेट इज इक्वल टू 2 का पावर n. ये ध्यान रखिए. चलिए तो 2 का पावर 2 क्यों रखा मैंने? क्योंकि डायहाइब्रिड था, दो कैरेक्टर थे, दो अल्फाबेट थे ए और टी, तो इसलिए 2 का पावर 2. यदि यही ट्राइहाइब्रिड होता तो 2 का पावर हो जाता 3, 8 गैमिट बनते. अब गैमिट कैसे बने? प्योर पेरेंट होने की वजह से तो गैमिट बनने का कोई दिक्कत ही नहीं. इधर से आएगा कैपिटल ए कैपिटल टी और इधर से आएगा स्मॉल ए स्मॉल और इनके कॉम्बिनेशन से बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल. इसी को आप कह देंगे क्या? F1 जनरेशन.
थोड़ा बड़ा है। एवरीवन एग्री विद दिस? यस सर। यस। जब मैं इसका सेल्फ क्रॉस कराता हूं बच्चों, इसका इसी से सेल्फ क्रॉस, अब वो क्रॉस बनाने बड़ा मुश्किल होता है, तो बेटर है बना लिया जाए क्या? Who needs square? अरे चेकर बोर्ड भाई, कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल ए कैपिटल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, कैपिटल ए स्मॉल टी, ऑल ए कैपिटल टी और स्मॉल। तनिष्का मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी? सर वो मुश्किल। चार गैमिट मैंने हॉरिजॉन्टली और चार वर्टिकली रख लिए, क्योंकि मैटिंग जब होगी तो चार होंगे मेल गैमिट और चार होंगे फीमेल गैमिट। दिस इज कॉल्ड चेकर बोर्ड, जिसमें चेकर बोर्ड आपको बहुत अच्छे से दिखे ना दिखे, अंदर के अल्फाबेट्स आपको। चलिए चेक कीजिएगा यदि मुझसे कहीं गलत हो रहा हो तो। सही लिखा है? यस सर। यस सर। सही लिखा है? यस सर। यस सर। सही लिखा है? यस यस सर। आप मुझे बताइए, जिससे पूछो वही, डॉक्टर दास, ये जो चेकर बोर्ड हमने बनाया है इसमें मुझे सिर्फ इतना बताइए, ऐसे कितने प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर एक्सियल भी है और जिनकी हाइट ज्यादा भी है, यानी एक्सियल एंड टॉल। प्लीज फाइंड एक्सियल एंड टॉल। एनीवन? समीक्षा दिया कह रही है कि नाइन। कितने हैं बेटा वो? नाइन। ऐसे कितने हैं जो एक्सियल तो हैं बट ड्वार्फ हैं? ये नाइन कैसे पहले वो देखते हैं, एक्सियल और टॉल, पहले इसको समझते हैं। एक्सियल और टॉल, जहां पर ए भी कैपिटल हो टी भी कैपिटल हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और ये नौ। अदिति, क्या इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा ए और टी कैपिटल दिख रहा है कि एक ही प्लेस पर? नो सर। तो एक्सियल एंड टॉल कितने हुए डियर? नाइन। अब ऐसे देखते हैं जो एक्सियल, अदिति केवल आप बोलेंगे,
जो केवल एक्सियल है बट ड्वार्फ नहीं. थ्री. ओके. वन एक्सियल तो है लेकिन टी छोटा है. एक्सियल तो है लेकिन टी छोटा है. एक्सियल तो है लेकिन टी छोटा है. तो एक्सियल और ड्वार्फ कितने हो गए? थ्री. अच्छा ऐसा कोई बता सकता है ओमकार, न्यू ओमकार, जो नॉन एक्सियल हो लेकिन टॉल हो? ओमकार नॉन एक्सियल हो लेकिन टॉल हो. ठीक का सर. थ्री. एक दो टी, क्योंकि यहां टी देखेंगे तो कैपिटल है, ए छोटा है. परफेक्ट. यानी मैंने लिख दिया नॉन एक्सियल बट टॉल. ये भी कितने हुए? थ्री. एक बचा केवल. दिस इज व्हाट? नॉन एक्सियल ड्वार्फ. तो रेशो क्या निकल कर आया? 9:3:1. लेकिन कौन सा? जीनोटाइप की फिनोटाइप? फिनोटाइप. और जीनोटाइप निकालना मुझे क्या बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? नो. तो क्या करना पड़ेगा स्वामी? दो बार मल्टीप्लाई करना. 1:2:1. परफेक्ट. यानी 1:1 मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1:1 से तो भी काम हो जाए. 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 1s are 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1. दिस इज द जीनोटाइपिक रेशियो. बट पूछा नहीं जाता, पूछा आपसे 9:3:3 बन जाएगा और वो भी 3:1 से निकाला जा सकता. 9:3:3:1 कैसे आया? 3:1 डायहाइब्रिड है तो दो बार क्रॉस कर दो. 3 3s are 9, 3 1s are 3, 1 3s are 3, or 1 1s are 1. देखिए क्या वही रेशो आ गया फिर से 9:3:3:1. यस और नो? यस सर. प्लीज चेक एंड नोट. एटलीस्ट न्यू स्टूडेंट्स प्लीज चेक एंड नोट. चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देता हूं और आपको असाइनमेंट के साथ छोड़ता हूं. क्वेश्चंस इसको मैं चलिए क्वेश्चंस मैं यहां दे देता हूं. क्वेश्चन क्या दे दे? ओके. 1024 प्लांट्स. कितने प्लांट्स हैं? कितने प्लांट्स हैं? 1024. बस ठीक. इन 1024 प्लांट्स में बच्चों आपको क्या निकालना? सबसे पहला निकालना है नंबर ऑफ होमोजाइगस प्लांट. दूसरा निकालना है आपको नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस प्लांट्स. नंबर थ्री निकालना है नंबर ऑफ डोमिनेंट प्लांट्स.
नेक्स्ट निकालना आपको नंबर ऑफ रेसेसिव प्लांट्स, एक निकालना आपको नंबर ऑफ प्लांट्स रिसेम्बल टू पेरेंट, रिसेम्बल टू पेरेंट, और एक निकालना है आपको नंबर ऑफ प्लांट्स होमोजाइगस फॉर एटलीस्ट वन ट्री, और सातवां देता हूं मैं आपको नंबर ऑफ प्लांट्स परफेक्ट हेटरोजाइगस। चलिए ये सातों क्वेश्चंस के आंसर आ जाने चाहिए, और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट क्लास में आप इन सातों क्वेश्चन को मुझसे डिस्कस करेंगे, सो दैट आई विल स्टार्ट विद द डेविएशन। इमेज में शेयर कर दे रहा हूं, क्वेश्चंस अच्छे से दिख जाएंगे। बाकी आज के कंसेप्ट समझ में आए क्या? यस सर। यस सर। स्टूडेंट्स यस सर। Yes, sir. Good. Going to close the session. I'm sharing the image. Do solve these questions now only. अभी कर दीजिए, क्लास खत्म होते से ही तुरंत उसको सॉल्व करके मुझे आंसर भेजने की जरूरत नहीं, भेज भी दिए तो भी कोई दिक्कत, हम इसको अगली क्लास में चेक करेंगे, राइट? यस सर। दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी देखा, ग्रुप पर एक मैसेज आया है रिगार्डिंग ड्यू फीस, तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है अननेसेसरी फिर वो कोटा से चीजें आती हैं, बिगड़ती हैं, फिर स्टडी मटेरियल की दिक्कत होती है, कभी खत्म हो जाता है कुछ है, तो जस्ट पे योर ड्यूज एंड कलेक्ट द स्टडी मटेरियल, परफेक्ट वॉट एवर, बिकॉज मैंने अभी मैसेज देखा पढ़ाते पढ़ाते जब मैं इमेज शेयर कर रहा था तो आई सॉ अ मैसेज, डेफिनेटली दिस मैसेज इज रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस जिसे फॉरवर्ड किया गया है ना। सो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बाद में बच्चों फिर मेरे पास फोन कॉल आएंगे तो डोंट कॉल मी, मतलब मुझे कॉल करके कुछ होगा नहीं, तो जो भी स्टडी मटेरियल्स अपने ड्यूज हैं उन स्टडी मटेरियल को अपने फीस के ड्यूज कंप्लीट करें और स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करें, सो दैट आपको समय रहते चीजें अवेलेबल हो जाए। 12th बोर्ड का साल है और नीट का भी इंपॉर्टेंट ईयर, तो लिंगर बिल्कुल मत रखिए, और जिसकी भी जो मॉड्यूल और फीस पेंडिंग है वो देन एंड देर वहां जाके कलेक्ट कर, ताकि बार बार ये मैसेज आए फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे फिर पेरेंट्स को बोलना पड़े, परफेक्ट। चलिए आई होप आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर भेजेंगे और ऑफिस जाकर टाइम पूछ लेंगे, दीपक मीणा सर से फोन पे टाइम पूछ लेंगे कब ऑफिस में वो है, अपनी पेंडिंग्स दें, स्टडी मटेरियल कलेक्ट करें और स्टडी करें, परफेक्ट। ऑल द बेस्ट। यस सर। ओके ऑल द बेस्ट।